गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विनियोग, जो हमारी लास्ट क्लास से चल रहा है। तो विनियोग हमने पिछली क्लास में किया था, आज हमें उसी के कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको बताया था कि विनियोग क्या होता है और विनियोग करने से हमें क्या लाभ होता है, यानी इन्वेस्टमेंट क्या होती है और उसे करने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, हर व्यक्ति क्या है अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में क्या है, अपने भविष्य को लेकर क्या है चिंतित रहता है। तो वो क्या करता है, भविष्य के लिए और आने वाली आकस्मिक जो भी दुर्घटनाएं हैं या परिवार के सदस्य की जो कमाता है उसकी मृत्यु या और भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं कि आगे की जो भी प्लानिंग होती हैं उनके लिए वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अलग अलग तरीक़ों से उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उनके लिए हमें इन्वेस्टमेंट के तरीके या साधनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में क्या है, धन को विनियोजित करने के लिए क्या है, अनेक प्रकार के साधन है एट प्रेजेंट, जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धन को इन्वेस्ट करता है और उसकी पूंजी की सुरक्षा के साथ ही लाभ भी प्राप्त करता है। आय एवं सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी प्रकार के साधन हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला जो साधन है आप सभी जानते हैं, बैंक। दूसरा है डाकघर बचत बैंक। आगे हम करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पत्र यानी सोशल सिक्योरिटी पत्र होते हैं, उनके द्वारा हम अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंसेस के बारे में सभी जानते हैं, यानी जीवन बीमा। फिर है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी इसमें भी हम क्या करते हैं, अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं। किसान विकास पत्र है, उनमें करते हैं। उपहार कूपन्स होते हैं, यानी गिफ्ट कूपन होते हैं, उनके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। हिस्से या अंशदान यानी शेयर्स होते हैं, आजकल आप देखते हो कि शेयर्स काफ़ी लोग क्या हैं, शेयर में अपना पैसा लगाने लग गए हैं। फिर है ऋण पत्र होते हैं, और एक और होता है वो क्या है, लॉटरी चिट व्यवस्था। तो ये क्या है, हमारे साधन हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अपने धन को संचित करके रखते हैं और उनसे कुछ लाभ भी कमाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक की, बात करते हैं। आप सभी जानते हो, आप सभी बैंक के बारे में अच्छे से, अच्छी प्रकार से जानते हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज के समय में जो बैंक के बारे में ना जानते हो कि बैंक क्या है। बचत एवं विनियोग के साधनों में सबसे जो लोकप्रिय साधन या प्रचलित या महत्वपूर्ण जो साधन है वो आज के समय में क्या है, बैंक है। यह एक ऐसा आर्थिक संस्थान है जो रुपयों का लेन देन करता है। व्यक्ति परिवार अपनी बचत को बैंक में जमा करके क्या करता है, बचत यानी सॉरी ब्याज प्राप्त करता है, इंटरेस्ट मिलता है उसको। बैंक में जमा धन आवश्यकता पड़ने पर आप क्या है, तुरंत उसको निकलवा सकते हैं। इतना ही नहीं है, व्यक्ति को चाहने पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर, उधार पत्र भी उपलब्ध करवाता है। मकान बनाने, जमीन खरीदने, गाड़ी खरीदने, छोटे मोटे घरेलू उद्योग धंधे खोलने, कृषि पशुधन खरीदने आदि कार्यों हेतु भी यह क्या करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। परंतु बैंक से ऋण लेने पर ब्याज दर अधिक होती है, जिसे ऋण धारक को मूलधन के साथ ही चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या है, बैंक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्या है, बैंक की काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी दी हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक के लिए सबसे पहले प्रोफेसर टॉसिंग है, उन्होंने क्या कहा है, बैंक विनियोग तथा बचतों के संग्रह के आड़तियों का काम करती है, वे विनिमय के एक भाग का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। प्रोफेसर किलने ने कहा है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें रुपयों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तथा उनसे नियमानुसार निर्धारित दर से ब्याज लेती है, तथा ऐसे व्यक्ति जिनके पास अतिरिक्त धन है वे बैंक में क्या करते हैं, धन जमा करा देते हैं, और बैंक जमा धन पर क्या करता है, जमाकर्ता को उस पर इंटरेस्ट देता है या ब्याज देता है। अतः जमाकर्ता को ब्याज लाभ उससे प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार हम पाते हैं कि बैंक है वो जनता की छोटी छोटी बचत एकत्रित करके पूंजी को एकत्रित करती है, जिन्हें क्या है जरूरत पड़ती है तो उन्हें ऋण देती है। अतः बैंक के दो मुख्य कार्य हैं, पहला है जनता का धन जमा करना, दूसरा ऋण प्रदान करना। इसके अतिरिक्त बैंक के काफ़ी सारे और भी सुविधाएं हैं जो वो क्या है लोगों को उपलब्ध करवाती है, जिसमें आता है चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा, जिससे क्या होता है जिससे धन का भुगतान सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा क्या है हम किसी को भी जैसे पैसे देने हैं तो हम उसको इजीली उसको ले जाने में भी दिक्कत नहीं होती है, वो इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये क्या है चेक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बैंक से पैसे निकाल सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। तो एक तो ये सुविधा होती है, दूसरी है लॉकर की सुविधा, जिसमें गहने, बहुमूल्य वस्तुएं, मकान, दुकान की रजिस्ट्री के कागजात आदि क्या है जो भी बहुमूल्य चीज़ें होती हैं हम उसको अपने लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आता है इसमें यात्री चेक की सुविधा, ताकि यात्रा के दौरान नगद धन साथ ले जाने की जोखिम उठाना ना पड़े। आपको पता है कि जाते समय कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं तो पैसों को ले जाना सेफ नहीं मानते, थोड़ा सा डर लगता है, भय होता है, तो हम यात्री चेक के द्वारा क्या है उसको ट्रैवलर्स चेक बोलते हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कहीं भी जाएं हमारे लिए इजी हो जाता है। फिर बात करते हैं उधार पत्र की सुविधा, इसके माध्यम से व्यक्ति कहीं पर भी बगैर नगद धन के खरीदारी कर सकता है। क्रेडिट कार्ड, जिसको उधार पत्र किसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं। आज के समय में आप देखते हो कि ऑनलाइन है या फिर कोई भी कार्य है आजकल क्रेडिट कार्ड से करने लगे, जो भी पेमेंट होती है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, जिससे क्या है उसके पास अगर एक टाइम के लिए पैसा भी नहीं है या वह घर पर भूल गया है, अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसे उसको धन को चुकाना इजी हो जाता है, उसे वहाँ धन अदा करने की अथवा नगद धन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह धन उसकी बचत राशि में से काटकर बैंक द्वारा दुकानदार को अदा कर दिया जाता है। तो ये था हमारा बैंक और बैंक की परिभाषा। अब हम इसमें बात करते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आते भी हैं कि बैंक खातों के प्रकार, ये जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी काफ़ी बार आता है कि बैंक के खाते कितने प्रकार के हैं, कौन सा खाता क्या काम करता है, तो उसकी बात करते हैं। बैंक के खातों में सबसे पहले जो खाता आता है वो है सेविंग अकाउंट, यानी बचत खाता। आप सभी जानते हो आपका जो पैसा है वो किस में है, सेविंग अकाउंट। इस प्रकार के खाते की व्यवस्था विशेषकर अल्पकालीन बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, यानी मिनिमम जो भी राशि होती है हम बैंक में उसको जमा करवा के हम क्या करते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी बचत को जब चाहे बैंक के कार्यावधि यानी जो उसकी कार्य समय है उसमें जाकर जमा करा सकता है, परंतु सप्ताह में 3 बार से अधिक रुपया नहीं निकाल सकता वह। ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसमें क्या है वो उनको ध्यान में रखकर क्या कर सकता है बैंक में अपनी सेविंग कर सकता है। वर्ष में 150 बार रुपया निकालने की छूट रहती है। बैंक खाता खोलने के लिए कम से कम 500 रुपये बैंक में जमा कराने पड़ते हैं। कई जगह अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, कहीं 500 रुपये हैं, कहीं 1000 हैं, कहीं 1500 है, और कहीं पर क्या है जीरो बैलेंस पर भी क्या करते हैं बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। जमा पर्ची पर राशि एवं अन्य विवरण भरकर बैंक अधिकारी को देना पड़ता है। अलग अलग बैंकों में यह राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, आपको बताया किस। तो सभी जगह पे क्या है खाता खुलवाने जाने के बाद उस व्यक्ति को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक में जमा करने की गई राशि एवं निकाली गई राशि का पूर्ण विवरण होता है कि कितने उसमें डेबिट से कितने पैसे निकलवाए हैं, कितने उसमें डलवाए हैं, कब उसमें बैंक का इंटरेस्ट मिला है, वो सारी डिटेल उस पासबुक में होती है। बचत खाते में जमा राशि पर बैंक अलग अलग सभी बैंकों की अलग अलग ब्याज दर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है उनको ब्याज दर उनके जो भी राशि जमा होती है उन पर उनको ब्याज दर मिलती है। समय समय पर ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है और खाता धारक के चाहने पर बैंक उसे चेकबुक की भी सुविधा उपलब्ध करवाता है। चेकबुक के माध्यम से वह रुपया निकालने में आसानी होती है। बचत खाता व्यक्ति स्वयं के नाम और किसी के साथ
ज्वाइंट अकाउंट या संयुक्त रूप से अकाउंट भी खोल सकता है। फिर बात करते हैं हम जो दूसरे प्रकार का जो टाइप दूसरे प्रकार का जो खाता है वो है चालू खाता। इस प्रकार का खाता व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के लिए क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। मोस्टली जो लोग हैं वो कौन सा खाता खुलवाते हैं, जिनको सेविंग के पर्पज़ से होता है वो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं। वे ही ज़्यादातर क्या है, चालू खाता खुलवाते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लेन देन में सुविधा प्रदान करना। इसका उद्देश्य ब्याज के रूप में लाभ कमाना नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार के खाते में ब्याज नहीं मिलता है। इस प्रकार के खाते में खाताधारक चाहे जितनी बार ही धन डलवा सकता है यानी जमा करवा सकता है, और कितनी बार ही वो क्या कर सकता है, निकलवा सकता है। धन निकालने एवं जमा कराने की कोई भी बंदिश नहीं होती है, पाबंदी नहीं होती है। व्यापारी उद्योगपति जब चाहे अपना धन जमा करवा सकता है अथवा वो निकाल सकता है। कई बार बैंक व्यापारियों से इस लेन देन की सुविधा हेतु शुल्क भी वसूला जाता है, यानी बैंक क्या है, लेन देन के सिलसिले में उनसे शुल्क भी लेता है। जिनके खाते में हर समय 50,000 रुपये जमा रहते हैं, इस प्रकार के खाते से गृहिणियों को विशेष फायदा नहीं होता है। गृहिणी है वो कौन सा खाता खुलवाती हैं, मोस्टली वो सेविंग अकाउंट, उनके लिए वही फ़ायदेमंद होता है जो सेविंग करना चाहते हैं। ये तो चालू खाता उनके लिए होता है, आपको बताया कि व्यापारियों के लिए होता है, जिनको दिन प्रतिदिन बार बार उनको ट्रांजेक्शन्स करनी रहती हैं उनके लिए। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार के खाते में क्या है, एक धनराशि, एक निश्चित धनराशि को हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए फिक्स कर देते हैं, चाहे वह 3 माह से लेकर 10 वर्ष तक की फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। यानी हम उसको क्या है, जमाकर्ता अपने धन को निश्चित अवधि पूरा होने के बाद ही उसको निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें ब्याज दर अन्य खातों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर उसने आप जैसे मैंने 1 साल की FD करवाई, FD मीन्स फिक्स डिपॉजिट करवाया है, तो मुझे अपना जो टाइम है 1 साल के ब्याज ही मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बीच में मैं उसको खुलवाती हूँ, तुड़वाती हूँ अपनी FD को, तो उसमें क्या होता है, मेरा जो इंटरेस्ट बनता है वो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, जो टाइम लिमिट थी वो मैंने कंप्लीट नहीं की। रुपया जितने अधिक समय के लिए जमा किया जाता है, ब्याज दर उतनी ही अधिक होती है। परंतु वर्तमान में इस नीति में क्या है, व्यापक परिवर्तन हुआ है और धन वर्ष 5 वर्ष की अवधि तक जमा करने पर ब्याज दर बढ़ने के साथ क्या हो गई है, घट गई है। पहले क्या था कि जो फिक्स डिपॉजिट था वो 5 साल के लिए होता था, और जो था वो उसमें जो भी आपकी रकम है, जो आपकी राशि है, उसका डबल हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं फिक्स डिपॉजिट को लेकर। तो इस प्रकार से हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इस खाते में ब्याज की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न बैंकों में भिन्न भिन्न होती है, तथा आर्थिक नीतियों एवं व्यापारिक गतिविधियों के कारण क्या है, ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में ब्याज दर अत्यंत ही कम या 5 से 5.5 तक है। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे अगला जो है खाता है वो है होम सेविंग अकाउंट, गृह बचत, इसको बोलते हैं गृह बचत खाता। गृह बचत खाता गृहिणियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होता है। यह खाता गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही खुलवा सकता है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए तो यह वरदान है यह खाता। वे गृहिणियाँ जो पर्दा प्रथा, अशिक्षा, परंपराएं आदि कारणों से बैंक में नहीं जाती है, उनके लिए ये अच्छी योजना है। जिन्हें बैंक के कार्य प्रणाली का कोई ज्ञान नहीं होता, वे खाता खुलवाकर इस प्रकार से लाभ कमा सकती हैं। बैंक उन्हें घर बैठे ही खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक का जो अधिकृत जो कर्मचारी होता है, खाताधारकों के यहाँ प्रतिदिन या साप्ताहिक या पाक्षिक, मासिक आदि जाते हैं और उनसे रुपए लेकर उनकी प्राप्ति की रसीद दे देते हैं। गृहणियों को चाहिए कि वे इन रसीदों को संभाल कर रखें तथा समय समय पर जाकर इन राशियों को दिखाकर और इनका अपने खाते में उनको करवा सकते हैं। तो ये था हमारा गृह बचत खाता। अब बात करते हैं आवर्ती जमा योजना की। इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य लोगों को मितव्ययी बनाना तथा अल्प बचत को प्रोत्साहन
देना है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह निश्चित धनराशि एक निश्चित समय तक लगातार प्रतिमाह आवश्यक रूप से जमा करवानी पड़ती है। निश्चित अवधि के पश्चात यह मोटी रकम एक पूंजी बन जाती है। इसका उपयोग दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति, बालकों की शिक्षा, उनके विवाह आदि के लिए की जाती है। यह खाता कम से कम राशि अथवा पाँच के गुणांक से 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए खोला जा सकता है। भिन्न भिन्न बैंकों में यह राशि भिन्न भिन्न होती है। अब बात करते हैं मासिक ब्याज जमा रसीद की बात करते हैं। इस योजना के द्वारा खाताधारक मासिक ब्याज अर्जित करता है, साथ ही मूल राशि ज्यों की त्यों रहती है। इसके लिए जमाकर्ता को न्यूनतम राशि जैसे कि 1000 रुपये अथवा रुपये के अलग अलग हो सकती है। ये जितनी भी हैं, आजकल क्या है काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, तो सभी पर क्या है अलग अलग राशि या अलग अलग उसमें दरें चेंजेस होंगे उनमें। यह योजना उनके लिए अधिक लाभदायक है जिन्हें बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, बीमा की किस्त, स्कूल की फीस इत्यादि जमा करनी होती है, उनके लिए यह अच्छा विकल्प है। फिर है इसमें पेंशन प्रावधान योजना। यह योजना उन लोगों के लिए लाभदायक है जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन नहीं मिलती। वृद्धावस्था में जब आय कम हो जाती है, चिकित्सा व्यय बढ़ जाते हैं, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, कमाने की हम में शक्ति नहीं होती है, तब इस योजना से हमें लाभ मिलता है। यह योजना आवर्ती जमा योजना की भांति ही एक निश्चित समय के लिए होती है। इस योजना में धन कम से कम 84 माह या 120 माह के लिए प्रति माह अनिवार्य रूप से जमा करवानी पड़ती है। इसमें कम से कम 50 रुपया और अधिक से अधिक 10 गुणकों में निश्चित रूप से जमा करवा सकता है। इस खाते में अन्य सभी शर्तें आवर्ती जमा योजना की तरह ही होती है। यदि खातेदार योजना का लक्ष्य समय पर पूरा होने के पहले ही अपना धन वापस प्राप्त करना चाहता है, तो बैंक उसके द्वारा जमा राशि को मय ब्याज से कुछ जैसे 2% होती है वो दे देता है। यदि खातेदार पुनर्विनियोजित धन भी 1 वर्ष से पहले ही वापस आता है, तब इस राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नगदी प्रमाण पत्र योजना। इस योजना में वर्तमान में कम राशि देने पर भी निर्धारित अवधि के बाद पूरी राशि प्राप्त हो जाती है। नगदी प्रमाण पत्र 100, 50, 1000 से लेकर 5000 के मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं। ये कैश सर्टिफिकेट स्कीम्स हैं। यह परिपक्वता अवधि एवं प्रचलित ब्याज दर के आधार पर उल्लेखनीय निम्नस्तर निर्गम मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। नकदी प्रमाण पत्र कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, यहाँ तक कि 12 वर्ष का एक अवयस्क बालक भी इसका लाभ उठा सकता है। अभिभावकों के माध्यम से इसका लाभ वह उठा सकता है। इनकी अवधि 6 माह से लेकर 120 माह तक की होती है। 120 माह के बाद 100 रुपये के रूप में उसको भुगतान निर्गम मूल्य पर बैंक द्वारा उसको जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो उसको दिया जाता है। तो आज ही क्लास में हमने किया कि विनियोग के कौन कौन से साधन होते हैं, और साधनों में हमने सबसे पहले किया बैंक। बैंक क्या है, उसकी परिभाषाएं, और किस प्रकार के बैंक में हम अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, काफ़ी सारे अकाउंट्स की बात की हमने अब कि किस प्रकार से हम खाता खुलवा सकते हैं और उसमें कैसे कैसे हम उसमें अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है हम अपने धन को बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।